किसान भाइयों, अगर फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी कई प्रकार के कीट और व्याधियों का प्रकोप देखा गया है, जिसके कारण इसके उत्पादन में काफी कमी हो जाती है और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मखाने के फसल में क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीट इस प्रकार हैं। एफिड, यह कीट पौधशाला में ही जनवरी से फरवरी तक मखाने के मुलायम पत्तों से रस चूसते रहते हैं। पत्र लपेटक, यह कीट मखाने के पत्तों को कुतरकर अपने ऊपर एक खोलनुमा आवरण चढ़ा लेता है। इसका प्रकोप मार्च से मई तक देखा गया है। जड़ छेदक, इस कीट का लार्वा मखाने की जड़ को नष्ट कर देता है। पत्र चूसक कीट, यह कीट मखाने के कोमल तनों और जड़ों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात मखाने में लगने वाले बीमारियों के बारे में। मखाने की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी देखा गया है, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। लीफ ब्लाइट, यह सबसे अधिक लगने वाली बीमारी है। इस बीमारी के प्रकोप से पत्तों पर काले भूरे रंग का गोलाकार धब्बा बन जाता है और धीरे धीरे यह पूरे पत्तों में फैल जाता है, जिससे पत्ता झुलसा हुआ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए प्राकृतिक, जैविक और मानवीय तरीकों से प्रबंधन विधि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इन सभी कीटों और रोगों से बचाव के लिए मखाना पौध की रोपाई के 40 दिन के बाद 5% नीम तेल का घोल 25 दिनों के अंतराल पर छिड़क सकते हैं।